मैं कई बार अपने प्रवचन में ये बात सिखाता हूँ, द प्रिंसिपल ऑफ 40-30-20-10, 40-30-20-10 का सिद्धांत। 40% आपके तय किए हुए काम और 40% आपने बढ़ाए हुए संबंध, वो आपके अनुसार चलेंगे, आपकी मन की इच्छा के अनुसार चलेंगे। 30% आपने तय किए हुए काम और आपके संबंध में उसको जीवंत रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी पंप करनी पड़ेगी, वो मेंटेनेंस कॉस्ट उसका बहुत बड़ा आता है। हुए 70%, और 20% काम और संबंध ऐसे होते हैं, काम है वो आपको निष्फलता या लॉसेस लाने के लिए आते हैं, संबंध है टूटने के लिए बनते हैं। आप सभी अपने जीवन में अंतर्दृष्टि करके देखें कि आपने आज तक जितने संबंध बनाए उसमें से 20% संबंध तो आपके आज है नहीं, 20% संबंध टूट गए हैं, आप भूल गए हो उनको, वे आपको भूल गए हैं, दोनों अपने अपने रास्ते पे हैं। पति पत्नी में भी ये होता है, 20% ऑफ द मैरिजेस दे इधर फेल, इधर डिवोर्स, और इफ एट ऑल दे स्टे टुगेदर दे स्टे इन अ मिजरेबल कंडीशन। और ये 90% बात पहुंची, आखिर में ये 10% बात ये है कि 10% आपके काम आपको बहुत बड़ा लॉस लाने के लिए, शायद करोड़पति में से रोड़पति बनाने के लिए आते हैं आपके जीवन में वो काम, और 10% संबंध है वो आपके जीवन में एनिमिटी मतलब शत्रुता में परिवर्तित हो जाते हैं, संबंध शत्रुता में परिवर्तित हो जाता है। अगर शत्रुता तक ना गए तो भी स्पर्धा तक तो हो जाता है। तो ये 40-30-10-20-20-10 का सिद्धांत है, वो स्वीकार करना, वो स्वीकार के जीवन स्थिर रखना, वो अभिगम है। सभी कोई कार्य और सभी कोई संबंध जो आपने जीवन में बनाए वो आप जिस तरह से चाहते हो उस तरह से नहीं चलते हैं। इसमें 40-30-20-10 का रेशियो हमेशा बना रहता है। तो वो स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, वो एटीट्यूड है अभी का। उसमें एडजस्ट हो जाना, वो एटीट्यूड है अभी का। उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करके आगे चलना, वो एटीट्यूड है अभी का। प्रमुख साईं महाराज को मुंबई में एक दफा जन्मभूमि प्रवासी के वरिष्ठ पत्रकार हरकिशन भाई मेहता ने एक प्रश्नोत्तरी में पूछा कि आपकी अगर कोई निंदा करे तो उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है, आप तो अच्छा ही कार्य करते हो समाज के लिए, लेकिन फिर भी कोई गैर समझ से, कोई द्वेष भाव से, ईर्ष्या भाव से अगर आपकी निंदा टीका करे तो उस वक्त आप क्या सोचते। अब देखो ये अभिगम सुखी रहने का, ऐसे संजोग में प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि अगर कोई टीका निंदा करे तो हम पहले अंतर्दृष्टि करते हैं कि उनकी बात सही है, अगर उनकी बात सही है तो हम सुधार कर लेते हैं, मन से उसका आभार मान लेते हैं कि उसने ये टीका की तो हमारे में ये सुधार आया। हरकिशन भाई मेहता ने पूछा कि अगर वो व्यक्ति गलत है और सिर्फ द्वेष या ईर्ष्या भाव से वो निंदा कर रही है तो वो व्यक्ति के प्रति आपको क्या भाव होता है। प्रमुख साईं महाराज ने कहा कि अगर वो व्यक्ति गलत है, मतलब वो द्वेष भाव से निंदा टीका कर रहा है, तो उसके साथ झगड़ने के लिए हम कभी नहीं जाते हैं, उसके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार के कभी हम नहीं सोचते हैं, उसके लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे ताकि उसको सही बात समझ में आए, लेकिन कभी उसके साथ किसी भी प्रकार का गैर वर्तन हम कभी नहीं करते। तो ये कितना बड़ा अभिगम हुआ जब आप लोगों के बीच रहते। अटैक्स विल कंटिन्यू, यू हैव टू मेक योर डिफेंस सिस्टम्स पावरफुल, समझे। अटैक्स विल कंटिन्यू, आक्रमण तो आप पे होता रहेगा। देखो हमारे देश के जो सर्वोच्च व्यक्ति है उस पे रोज आक्रमण होते, आक्रमण तो होता रहेगा, वो कभी आप रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन आपका आर्मर, आपकी डिफेंस सिस्टम आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
प्रमुख साईं महाराज इसके लिए बहुत एक अच्छी बात बताते थे, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं, ये 2 साल उनके जन्म शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये समझ लो कि ये आज का भी कार्यक्रम उसी सिलसिले में है। प्रमुख साईं महाराज एक अच्छी बात सिखाते थे, किस प्रकार की अभिगम हमें रखना है, कोई हमें गाली दे या हमारी निंदा करे तो। प्रमुख साईं महाराज कहते थे कि किसी ने आपको गधा कह दिया, किसी ने आपको गधा कह दिया कि आप गधे हो, उस वक्त आपको क्या सोचना है? तो यही सोचना है कि मेरे शरीर पे सफेद चमड़ी है, नहीं है। मेरे लंबे लंबे कान हैं, नहीं है। मेरे 4 पैर हैं, नहीं है। मेरे पीछे एक छोटी सी पूंछ है, नहीं है। बस तो मैं गधा नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। प्रमुख साईं महाराज कहते थे किसी ने आपको गधा कहा तब आप गधे नहीं बनते, लेकिन जब when you roll your sleeves और उसके साथ जगड़ने लेके जाते हो तब आप गधे बने, क्योंकि आपने उस बात का स्वीकार कर लिया। ये सभी कोई नेगेटिव्स आपको इसलिए असर कर सकते हैं कि आप स्वीकार करते हो। रेनकोट पहन लो, एक छाता सर पे रख लो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप बारिश के बीच हो तो भी उसी तरह टीका निंदा के बीच हो, द्वेष भाव से बीच हो, लेकिन आप अच्छा रेनकोट ये समझदारी का पहन ले, एक अच्छा छाता सर पे समझदारी का रख ले। प्रमुख साईं महाराज कहते थे कि सबसे बड़ी समझदारी क्या है, कि ये मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मेरे और आपके कई जन्म हो गए हैं, जन्म मरण तो चलता रहता है। आज ये जन्म हुआ, ये कार्य करते हैं, अगले जन्म में कुछ और होगा, कुछ और कुछ करेंगे, लेकिन ये जन्म मरण का चक्कर चालू है। और ये सीख देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सभी द्वंद्वों के बीच आपको अगर स्थिर रहना है तो ये अभिगम सीखना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जैसे हम कपड़ा कोई खरीदते हैं, पहनते हैं, ये टी शर्ट या शर्ट कुछ पहनते हैं, तो वो 3-5 साल में घिस जाता है, टूट फूट जाता है और उसको फेंक देते हैं हम। उसी तरह ये 80-90 साल के जीवन के बाद ये शरीर टूट जाता है, फूट जाता है, तो अंतर में रहा हुआ जो जीव वो आत्मा उस शरीर का त्याग कर देता है। जिस तरह से शरीर पे पहना हुआ कपड़ा हम 3-5 साल में त्याग कर देते हैं, उसी तरह हमारा आत्मा ये 70-80-90 साल का ये शरीर को त्याग कर देता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर देता है।